ये आई पॉलिसी, फिर आपका स्कूल का सर्व शिक्षा अभियान के अंदर में पॉलिसी आई है ना, मिड डे मील वगैरह का। तो ये बहुत सारी पॉलिसीज जो है बाद में न्यूली भी डेवलप किया गया, उसको नए सिरे से बनाया गया। फिर इंदिरा आवास योजना है, या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ना। तो जब नए पॉलिसीज को बनाना होता है तो उसका पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन का जो वो होता है, प्रोसीजर होता है, वो डिफरेंट होता है ना, फॉर न्यू पॉलिसीज। एंड फॉर ओल्डर पॉलिसीज को जब मॉडिफाई करना होता है तो फिर अलग प्रोविजन होता है, अलग उसके सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि और जब गवर्नमेंट जब वो करती है, फंक्शन करती है, तो उसमें उनका ऐसा नहीं होता है कि एवरी टाइम दे ब्रिंग इंटायरली न्यू पॉलिसी, या फिर कोई भी बहुत बड़े लेवल पे सोचते हैं, ऐसा नहीं है। वो छोटी छोटी पॉलिसीज भी बनाते हैं टू डील विद स्मॉलर इशूज। ठीक है, इट्स नॉट लाइक, और उसमें एड ऑन भी करते हैं, जैसे पुरानी एक बड़ी पॉलिसी है एंड दे माइट एड समथिंग न्यू टू इट, है ना, न्यू प्रोविजन टू इट। तो आप ऐसे समझो कि जब जब एक जैसे पुरानी पॉलिसी है तो उसका ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, उसके स्टेप्स होंगे, प्रोविजंस होंगे, कैसे इंप्लीमेंट करा जाएगा, कौन उसके स्टेक होल्डर बोलते हैं हम, जो इम्प्लीमेंटेशन है जिनके लिए, और जिन जिनके लिए बनाया जा रहा है, जो लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं, जो जो गवर्नमेंट के मशीनरी इससे इन्वॉल्व है ना, वो आपके स्टेक होल्डर्स हो गए। फिर उसको सबके लिए एक कंक्रीट स्टेप बनाया जाता है, एंड देन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी को दिया जाता है कि आप उसको एग्जीक्यूशन करें। तो मोस्टली जो पॉलिसीज होती हैं, इधर दे कम अंडर मिनिस्ट्रियल, वो किसी भी मिनिस्ट्री के परव्यू में आएगा, या फिर कई बार कोई पॉलिसी जो है डायरेक्ट पीएम ऑफिस से होता है, व्हेन पीएम ऑफिस डजंट वांट टू कीप इट अंडर अ पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री। तो अगर हम इसको और थोड़ा डेप्थ में जाके देखें, तो जैसे अगर पॉलिसी बनने का जो स्टेप है, ये मैं अभी इस वाले क्लास को जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये इसको तो हम एक्सटेंसिव क्लास लेंगे, बट स्टिल आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल आइडिया कि जब भी आप कोई पॉलिसी छोटा या बड़े लेवल पे बनाते हो तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट यू रियलाइज कि देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे अगर हम इसको वो करें, एक एग्जाम्पल लेके देखें, तो अभी कोई एक ऐसा कोई प्रॉब्लम तुम लोग ही बताओ कि जो यू फील लाइक कि गवर्नमेंट नीड्स टू डू समथिंग फॉर इट, बताओ तो जरा सा। लेट्स डू इट बाय एन एग्जांपल। एनीवन, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है जो तुमको लगता है कि इसके लिए कुछ सोचना चाहिए या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? देयर मस्ट बी सम स्टेप्स व्हिच गवर्नमेंट शुड टेक। एनीवन बोलो। सर, ड्रॉप आउट रेट काफी हाई है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट। स्कूल का, तो उसके लिए तो ऑलरेडी एजुकेशन पॉलिसी में कई सारी चीजें हैं, जो मिड डे मील्स हैं, है ना, या फिर तुम देखोगे कि कई सारे स्टेट गवर्नमेंट। और एक एक चीज तो तुम्हें ये भी याद रखना पड़ेगा अपने मतलब पूरे उसमें, क्योंकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बिना पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। और गवर्नेंस स्ट्रक्चर में क्या है कि सिंस हमारा फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम कहने का मतलब देयर इज अ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके बाद उसके चारों तरफ स्टेट्स हैं। और इंडिया में क्या है, तीन लिस्ट बनाया गया है। तीन लिस्ट कौन कौन से कहा जाते हैं? सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और तीसरा कौन सा होता है बताओ? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट। तो तुम देखोगे कि अच्छा, मैं तुम लोगों का जीके चेक करूं, मैं एजुकेशन किस लिस्ट में आता है? कॉन्करेंट लिस्ट में। नहीं, जो प्राइमरी एजुकेशन होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन होता है वो स्टेट लिस्ट में होता है, और हायर एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में होता है। हेल्थ किस में आता है बताओ?
स्टेट लिस्ट। बिल्कुल सही। तो तुम हेल्थ स्टेट लिस्ट में आता है, और इसका एक एग्जांपल तुम्हें बताते हैं। यू वोंट फाइंड एनी हॉस्पिटल व्हिच इज स्पॉन्सर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन एनी एरिया। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हॉस्पिटल होगा तो या तो वो आर्मी वालों का होगा या फिर किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के परव्यू में होगा। जैसे मान लो कि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, उसने अपने लिए बनाया, जैसे आर्मी है या डिफेंस है, वैसे होता है। या फिर तुम सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल देख सकते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेजेस होते हैं, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन का भी हायर एजुकेशन है, तो उसके कॉलेजेस के साथ में जो हॉस्पिटल होता है वो होता है। और या फिर कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन या सुपर स्पेशलिटी इंस्टीट्यूशन अगर डेवलप किया गया है तो वो हॉस्पिटल्स होते हैं। अदरवाइज यू वोंट फाइंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स हॉस्पिटल इन नियर बाई एरिया। तो प्राइमरी हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट होता है। देन अगेन जो हायर एजुकेशन है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में आता है। तो जो तुमने बात की कि ड्रॉप आउट रेट्स को लेकर, तो वो बेसिकली स्टेट, जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसके ऊपर एक बनाया, कि जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला स्कूल चले हम, तुम्हें याद होगा एक गाना आया था उस टाइम पे, है ना। तो वो स्कूल एजुकेशन को वो करने के लिए, ब्रॉड करने के लिए, मतलब इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वहाँ पे खाना पीना सब प्रोवाइड करने के लिए, उस समय उन्होंने शुरू किया। वो प्रोविजन ड्रॉप आउट को कम करने के लिए था। फिर कुछ गवर्नमेंट, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऐसा करती है, जैसे बिहार में यू हैव अ प्रोविजन फॉर कि अगर लड़कियां 10th पास करती हैं तो उनको 10,000 मिलता है, 12th पास करती हैं तो 15,000 मिलता है, ग्रेजुएट हो जाती है तो 25,000 मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाती है, तो ऐसे करके होता है। तुमने देखा होगा कि अभी रिसेंट ईयर, मतलब योगी सरकार से पहले जो यादव जी की सरकार थी, अखिलेश यादव की, तो उन्होंने लड़कियों को साइकिल दिए थे, है ना। तो इस तरह से ड्रॉप आउट कम करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉलिसीज लोग बनाते रहे हैं। तो यू वोंट काउंट हियर। मुझे बिल्कुल कोई नया प्रॉब्लम बताओ फॉर विच यू वॉन्ट कि कोई पॉलिसी बने या कुछ उस पर किया जाए। एनीवन? बोलो जरा, जुनेद, आक्सी, कोई भी, गौरिका। सर जो माइग्रेंट क्राइसिस है उसपे, उस पे तो बनी रहा, पॉलिसी ऑलरेडी है, ऐसा नहीं है ना। या मैं तो बोल रहा हूँ यस बिल्कुल यस फाइंड हाँ आउट हाँ समथिंग वेरी, मतलब ऐसा कुछ जो बहुत बड़ा इशू नहीं लगता है तुमको, मतलब सर जैसे जल्दी। कि हम पिलग्रिमेज जो होती है इंडिया में, चार धाम यात्रा, इसमें बहुत डेथ्स हो जाती हैं, जैसे कि लास्ट मतलब पहले केदारनाथ पे भी हुआ। वो तो उसपे तो बहुत काम हो रहा है, तुमको पता है ना, वो चार धाम यात्रा के लिए गवर्नमेंट, मतलब उत्तराखंड गवर्नमेंट भी काम कर रही है। हाँ करते रहिए वैसे। हाँ, तो वो तो ऑलरेडी पॉलिसी बनी चुका है उसपे। अरे चलो फिर वो वो वाला कि COVID-19 में अभी जो ये लोग जा रहे हैं हज के लिए, तो इसमें वो भी उसपे भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट के डिसीजंस आएंगे। तुम ऐसे कुछ आसपास का इशू देख के बताओ ना जिसपे तुम्हें लगता है कि फॉर उसका प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ सर। उसपे तो, अरे यार पूरा इंस्टीट्यूशन है उसपे सर इंडिया तो में। बहुत ही कॉमन इश्यू है कि जैसे घर में पानी की क्वालिटी बहुत खराब आती है। तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट का वो है कि बेसिक एमिनिटीज पे वो ध्यान दे, जैसे दिल्ली जल बोर्ड है ना, दे हाँ तो हैव नहीं ऑल द देते प्रोविजन। ना। अब वो नहीं देते हैं वो अलग बात है, दैट्स द इशू ऑफ, उसको क्या बोलते हैं, मतलब नॉन प्रोडक्टिविटी ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या इशू ऑफ मतलब अकाउंटेबिलिटी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि देर इज नो प्रोविजन फॉर दैट, देर इज नो पॉलिसी फॉर दैट। हर घर में जल पहुंचाने की जो पॉलिसी वो सरकार की है, और कई बार जैसे स्टेट गवर्नमेंट अलग से भी अटेम्प्ट करते हैं, जैसे बिहार सरकार ने भी चलाया हुआ है हर घर नल हर घर जल, ऐसे करके कुछ ऐसा। तो ऐसे सारे स्टेट्स में पानी पहुंचाने का और वो क्वालिटी के साथ पानी पहुंचाने का पॉलिसी है। नहीं मिलता है वो विजिलेंस का टाइप है, करप्शन का केस है, दैट्स अ डिफरेंट इशू। कोई और बताओ। काउ विजिलेंटिज्म पे लोग मतलब इन द नेम ऑफ दैट लॉट ऑफ पीपल आर किल्ड। तो इट्स नॉट जस्ट काउ विजिलेंटी, उसमें इस तरह के सिमिलर इश्यूज कई सारे हैं। जैसे मान लो कि मतलब ब्लास्फेमी वाला टाइप हो गया, है ना, या फिर मीट ईटिंग हो गया, या फिर एनीथिंग, मतलब
एनीथिंग ऑफ दिस काइंड, या जैसे मान लो जिहाद के नाम पे लोगों को मारने लगे, है ना, तो ये सारा चीज एक कैटेगरी में आएगा. ऑफ कोर्स उस पे भी पॉलिसी चाहिए, वो तो है नहीं, वो एक माने तुम्हारा सही है. चलो कुछ और बताओ. सर जुनैद बोल रहा हूँ. बोलो जुनैद. सर बेसिकली पहले पॉलिसी लॉ और एक्ट के बीच में डिफरेंस बताओ सर. देखो मैंने मैंने बताया था तुम्हें कि जैसे पॉलिसी जो है इट्स अ गोल एंड स्ट्रेटजी, ठीक है, गोल एंड स्ट्रेटजी. और ये जो है ये एक्ट के थ्रू भी आ सकता है, ठीक है. जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने बनाया, किसका किसका साउंड आ रहा है यार, अपने आप को वो करो म्यूट करो. हाँ, तो जैसे गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, जैसे लेट्स से आईआईटी एक्ट बनाया, ठीक है. आईआईटी एक्ट इज टू गिव ऑटोनोमसिटी फॉर आईआईटीज, है ना, जिसको ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स दिया जाएगा गवर्नमेंट के तरफ से, रिसर्च फोकस कराया जाएगा, कई सारी चीजें बनाई गई, ठीक है, इसके अंदर दिया गया, आईआईटी एक्ट का पार्ट है. एंड दिस एक्ट वॉज सपोज टू फुलफिल द पॉलिसी ऑफ कि जो इंडिया में टेक्निकल रिसर्च को प्रमोट किया जाए. तो पॉलिसी जो एक्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट अपने मीटिंग के थ्रू एक एक्ट बनाती है, जो फाइनली इट बिकम्स फाइनली द रूल और वो हो जाता है. और जो रूल होता है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूल होता है, वो तो हो गया लॉ, ठीक है. और कई बार गवर्नमेंट जो नए एक्ट्स बना के या फिर नए प्रोविजन ला के नए रूल्स भी क्रिएट करती है, न्यू रूल्स भी क्रिएट करती है, ठीक है. तो वो बिल्स के थ्रू आपको नए वो रूल्स भी क्रिएट होते हैं. तो रूल्स जो ऑलरेडी है, लॉ एंड ऑर्डर ऑलरेडी है, वो तुम्हारा एग्जिस्टिंग लॉ हो गया. एक्ट और बिल्स के थ्रू नए रूल्स भी आ जाते हैं, ठीक है. उस पर आप क्लेम कर सकते हो कि ये एक्ट गलत बनाया गया है, जो संविधान के अंदर में नहीं है. जैसे दिस ऑल हैपेंस अंडर द परव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. व्हेन यू टॉक अबाउट पॉलिसी एंड एक्ट, आप इसको डिफरेंशिएट मत करो. एक्ट इज अ वे टू ब्रिंग पॉलिसी, मतलब एक्ट कैन बी टूल्स ऑफ टूल ऑफ पॉलिसी. समझ में आ रही मेरी बात? सो जैसे नेम अ एक्ट, जैसे कोई भी एक्ट का नाम लो, यू विल फाइंड कि दैट एक्ट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू अचीव सम गोल. तो अब पॉलिसी में हमने क्या बताया कि जो गोल और स्ट्रेटजी है ना, तो जो गोल्स हैं कई बार वो बिना एक्ट के नहीं स्ट्रेटजाइज किए जा सकते, है ना, क्योंकि सिंपल गवर्नमेंट मशीनरी उसको उसकी क्वालिटी पे या उसके सस्टेनेबिलिटी पे नहीं कर सकती. इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इफ दे वांट कि कोई चीज उनके बाद भी रहे तो वो एक्ट बना के जाते हैं पार्लियामेंट में पास करके, क्योंकि बिकॉज कोई एक्ट अगर बन जाता है तो उसको फिर तुरंत उसको तोड़ना भी आसान नहीं होता. तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाने के लिए उसको एक्ट बना के या बिल बना के गवर्नमेंट उसको पास कर देती है. समझ में आ रही है बात? सो देयर इज नो डिफरेंस एट सच. एक्ट्स एंड रूल्स आर द वे टू ब्रिंग पॉलिसी और पार्ट ऑफ द पॉलिसी स्ट्रेटजी. जुनैद बोलो, समझ में आया? आया भी हो गया क्या? चलो एनीवे, सो वी वर एट दिस पॉइंट कि तुम लोग समझ में आया ये बात क्या कह रहा हूं मैं? यस सर, समझ में आया. हाँ, कई बार ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है. आप ये समझो कि एक्ट जो है किसी चीज को लीगल डेफिनेशन दे के गवर्नमेंट करना चाहती है, इसलिए एक्ट लाती है, ठीक है. जैसे सीए है या फिर कोई भी एक्ट आप सुनो, तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट चाहती है कि हम ऐसे अगर ऑर्डर दे देंगे तो इंटायर कंट्री विल अपोज इट. तो अगर हम उसको पार्लियामेंट से उसको पास करके एक एक्ट के थ्रू लाएंगे, देन नोबडी विल बी एबल टू अपोज इट. और उसका अगर अपोज करते हो आप, तो आप उसके मतलब उस पर हम केस कर सकते हैं, क्रिमिनल ऑफेंस डाल सकते हैं. तो इसीलिए कई बड़ी स्टेप्स जो है वो गवर्नमेंट थ्रू एक्ट लाती है, सो दैट इट कैन बी सस्टेनेबल टू द नेशन. मतलब आप गवर्नमेंट के बाद भी वो एक्ट चलता रहेगा, ठीक है. और एक्ट जो है वो इसीलिए लाते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ अचीव करना होता है, कुछ हम उसको मतलब होता है ना कि थ्रू मतलब थ्रू एक्ट वी वांट टू अचीव समथिंग, वी रीच टू सम डेस्टिनेशन, है ना. तो वो इसलिए एक्ट और पॉलिसी में डिफरेंस नहीं, आप समझो एक्ट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिसी स्ट्रेटजी. तो अभी हम उस पॉइंट पे थे कि जुनैद तुम्हें समझ में आया? यस सर. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है तुम लोग को?
इस पे तुम मतलब बिल्कुल नया इस तरीके से सोच सकोगे, इस पे कोई पॉलिसी नहीं है एंड वी कैन थिंक ऑफ इट। सर जैसे हम डोनेशन देते हैं फॉर अ सोशल कॉज और समथिंग लाइक दैट, तो सर उसकी ट्रांसपेरेंसी हमें पता नहीं चलती, तो शायद पता चलती। बट आज से करीब 3-4 साल पहले गवर्नमेंट ने CSR एक्ट लाए थे। यस सर, CSR फंडिंग तो होता है, वो तो है, बट देन जैसे हम WHO में हमने दिया, हमने कहीं मतलब दिया कि जैसे अभी एक प्राइवेट लिमिटेड है जैसे केटो, आप वहाँ डोनेशन कर सकते हो, तो आपको मतलब किसी की जान बचाने के लिए, पर आपको अकाउंटेबिलिटी नहीं पता चलती कि आप उसमें डिमांड करो, वो तो उन लोगों का वो होता है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, उसमें उनको देना पड़ता है, इसीलिए राइट टू इंफॉर्मेशन दिया गया है। एंड इनफैक्ट उनकी ऑडिट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, है ना। तो और CSR एक तो मैंने इसलिए बोला कि जो कॉर्पोरेट पे करती है, जैसे 2% जो कॉर्पोरेट को मैंडेटरी है 500 करोड़ से ऊपर वाले कंपनी रेवेन्यू वाले कंपनी को, तो ये 2% आप किस ऑर्गेनाइजेशन को देते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ खर्च करती है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है अब तो। तो पिछले 3-4 सालों में तुमने देखा होगा कि डेवलपमेंट सेक्टर में जॉब्स बहुत बढ़े हैं, क्योंकि पहले वो पैसा यूटिलाइज नहीं होता, अब वो यूटिलाइज होता है। अब यूटिलाइज करेगा कौन, तो जो एक्सपर्ट होंगे वो, तो इसलिए तुम देखोगे कि बहुत सारी मतलब डेवलपमेंट सेक्टर में बहुत सारे पोजीशंस निकलते हैं, एंड देयर आर लॉट मेनी कंपनी व्हिच इवॉल्व्ड इन लास्ट 4-5 ईयर व्हिच आर स्पेशलाइज्ड इन डेवलपमेंट सेक्टर का वो वर्क में, ठीक है। तो उस पे तो है, तुम लोग तो कुछ छोटा मोटा बात नहीं कर रहे, कुछ बहुत बड़े बड़े बात कर रहे। मैरिटल रेप हो सकता है, उस पे है, उस पे डोमेस्टिक वायलेंस और मैरिटल रेप पे भी है, पर सर वो तो डोमेस्टिक वायलेंस पे है ना, मैरिटल रेप स्पेसिफिकली पे तो नहीं बोलते हैं। मतलब जो रेप प्रिवेंशन एक्ट है जो भी है उसमें मैरिटल रेप इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि उसको छाट के वहां बात किया गया। बट अगेन जैसे तुम्हारा अगर कहना है, जैसे कई बार क्या होता है कि इन बिगर इशू, अगर कोई एक छोटा इशू जो बार बार निकल के आ रहा है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट कैन एड ऑन सम फर्दर पॉलिसी एलिमेंट इन दैट। तो जैसे अभी जो रेप के लिए एक्ट होगा उसमें अगर गवर्नमेंट को लगता है कि अभी प्रेजेंट सोसाइटी में मैरिटल रेप इज वेरी मच एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, तो गवर्नमेंट कैन एड ऑन समथिंग एक्स्ट्रा टू दैट पॉलिसी टू प्रिवेंट दिस, ठीक है। कुछ और बताओ सर, जैसे बहुत जैसे लोअर लेवल लेबरर्स होते हैं उनका डिसरिस्पेक्ट एट देयर वर्क प्लेस, उसका भी तो कुछ आई गेस वो नहीं है। डिसरिस्पेक्ट एट देयर वर्क प्लेस मतलब एम्प्लॉय की असाल्ट पे, उस पे भी है, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। जब तुम अभी जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो वो है एम्प्लॉयमेंट एक्ट जो है, yes, उसमें इस पे भी बात की जाती है। And there are numerous provisions in that. अब वो है कि कितनी ट्रांसपेरेंसी है या कितना, उस पे तो मैंने बताया ना कि जैसे हम पॉलिसी बना दे और वो इफेक्टिव हो ये जरूरी नहीं है। हाँ सर, इनएफिशिएंसी, तो यही इनएफिशिएंसी को दूर करने के लिए तो पॉलिसी मेकिंग की पढ़ाई अब कराई जा रही है, सो दैट पीपल और जो प्रोफेशनल कैन अंडरस्टैंड। पहले क्या होता था कि जैसे एक DM है ना, हम इंडिया में जो गवर्नमेंट के लिए सबसे ट्रस्टवर्दी जो बॉडी होती है वो है ब्यूरोक्रेट्स की बॉडी, क्योंकि वो क्या होता है कि वो मतलब एक तो बहुत पढ़ के वो एग्जाम देते हैं, पास कर जाते हैं और फिर उसके बाद ट्रेनिंग होती है, तो उन लोगों की ओवरऑल थॉट प्रोसेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। तो कोई भी काम है तो किसी ब्यूरोक्रेट्स को दे देता है अपनी, बट ये गलत अप्रोच रहा है शुरू से। तो ब्यूरोक्रेट्स भी बोलते हैं, मतलब जस्ट मतलब आई गेट फाइंड इट अगेन, एक ब्यूरोक्रेट का उसमें मिंट में एक बहुत बढ़िया इंटरव्यू था कि भाई जो आदमी पूरे 16 ईयर ऑफ जॉब उसने डे टू डे डिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज में वो किया, अपना काम किया, एंड ऑल ऑफ सडन ही हैज मतलब उसके ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड भी नहीं, कभी स्टडी भी नहीं, ऑल ऑफ सडन ही हैज बीन इन चार्ज ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी को ड्राफ्ट करने का। तो मतलब यू कैन नॉट ब्रिंग, आप कंप्लायंसेस तो पूरी कर लोगे क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाएगा और वो पॉलिसी देखने में तो अच्छा लगेगा, बट इट वॉन्ट बी इफेक्टिव बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट स्पेशलाइज्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। इसलिए अब के टाइम में मतलब गवर्नमेंट एंड एवरीबॉडी रियलाइज्ड कि हम ऐसे नहीं बना सकते पॉलिसी, फॉर पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज देयर शुड बी एक्सपर्ट फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ओनली। यस सर। तुम लोग कोई छोटा प्रॉब्लम या कोई बड़ा प्रॉब्लम ऐसा नहीं आइडेंटिफाई कर रहे? रेसिज्म अगेंस्ट द नॉर्थ ईस्टर्न्स, उस पे भी होगा कुछ ना कुछ सर, मतलब एज सच कुछ बहुत ही इफेक्टिव सा नहीं है, लेकिन होगा जरूर उस पे भी। तुम्हारा नाम क्या है? शिफाली।
स्वस्तिका है कि नहीं यहाँ पे? नहीं है ना, चलो ठीक है, तो बुद्धि इसी पे बात करो। कुछ और तो क्या आ सकता है और छोटे प्रॉब्लम्स में? कुछ तुम सोचो। आई फील कि मतलब सब चीजों पे कुछ ना कुछ करा है, मतलब है, बट इट्स जस्ट कि इम्प्लीमेंटेशन इशू है बस। एक मेरा ये भी पॉइंट था एस्टेब्लिश करने का कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कभी काम नहीं किया, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ करने की कोशिश नहीं की, है ना, बिकॉज़ द आवर गवर्नमेंट मशीनरी इज टू बिग, है ना। जितने जितने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हमारे कंट्री में है पर 1000 पॉपुलेशन पे, उतना तो और किसी देश में नहीं होगा। बट और जितने रूल्स रेगुलेशंस पास होते हैं, जितनी बड़ी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना बड़ा हमारा इंडियन पीनल कोड है, जितनी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने मिनिस्ट्रीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब वेरी वास्ट, बट स्टिल हाँ, मतलब आप स्टिल यू फाइंड न्यूमरस प्रॉब्लम अराउंड यू। तो आपको लगता है कि फिर कैसे हो गया ये प्रॉब्लम? तो तुम्हें एक बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ कि एनीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ जो प्रॉब्लमेटिक तुम्हें दिखता है, उसका रीजन ही यही है कि we could not create a good policy for that, ठीक है? Because as for resource we are very rich, as per मतलब everything that a country need to have to grow, for growth or development, everything that we need to have we are having that, you know? So despite that, if any problem that you see around, आपको सड़क टूटा हुआ दिखता है, आपको एक्सीडेंट्स दिखते हैं, मतलब होते हैं ना ऐसे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज दिखते हैं, कुछ भी आप देखते हो ना आसपास जो आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है, तो उसके पीछे पॉलिसी ही रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन एट द सेम टाइम द पॉजिटिव थिंग इज दैट राइट नाउ, क्योंकि जो है सो आप उसके लिए दुखी नहीं हो सकते, बट एवरी प्रॉब्लम दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ द ओनली सॉल्यूशन इज पॉलिसी। समझ आ रही बात? देर इज नो अदर वे आउट, मतलब आप रिवोल्यूशन कर लो, कुछ भी कर लो, एक पर्टिकुलर इशू पे हल्ला कर लो। जैसे जनरली हम लोग क्या करते हैं कि ऑल ऑफ सडन कोई इशू जनरेट आया, नया आया, हम उस पर खूब बात की है। जैसे सुशांत सिंह का सुसाइड केस हुआ, तो वी टॉक्ड अ लॉट अबाउट मेंटल इशूज और एवरीथिंग हमने किया। अभी तुम लोगों ने देखा होगा तुम्हारे ग्रुप में भी वो सीएम का एक कमेंट पे तुम लोगों ने डिस्कशन किया। अब ये कोई नेशनल इशू बन सकता है ना, कि पूरे उसको अगर नेशनल मीडिया पे डाला जाए तो 2-4, 10 महीने, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए एवरीबॉडी विल टॉक अबाउट दैट, फिर वी टेंड्स टू फॉरगेट अबाउट दैट। हमें लगता है कि ये नहीं हो रहा, फिर गवर्नमेंट को हम करते हैं, फिर अपोजिशन वाले आ जाते हैं, फिर उसके अगेंस्ट फेवर में कुछ बोलेंगे। बट वी ऑल शुड आस्क फॉर द पॉलिसी, हम सबको वी शुड आस्क फॉर क्वालिटी इन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, है ना, और क्वालिटी इन पॉलिसी एग्जीक्यूशन, और क्वालिटी इन मतलब क्वालिटी नहीं बोलेंगे फिर उसमें अकाउंटेबिलिटी डिफाइन करने का कि हु विल बी अकाउंटेबल फॉर अ बैड एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी, ठीक है। बट स्टिल अब हम लोग इस एक्सरसाइज पे आते हैं कि कोई एक प्रॉब्लम अगर हम ये करें, तो जैसे अगर मान लो कि मैं बताओ, हम ये नहीं बोल सकते कि इस पे एक पॉलिसी होनी चाहिए कि एक मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए कोई भी जो गवर्नमेंट का पार्ट बनता है, बिकॉज़ वो तो अभी नहीं है ना लेजिस्लेशन का, है ना। हाँ, तो उस पे तुम पॉलिसी बना सकते हो ऑफ कोर्स, है ना। तो वो एक है कि चलो ठीक है, एक प्रॉब्लम है, सम प्रॉब्लम है, इसमें हम प्रॉब्लम कैसे डोनेट लिखेंगे, तो हमने लिखा कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, उनके जो की के आरे होते हैं, जो आप कभी, मैं तुमको एक एग्जांपल बताता हूँ, मैं आप किसी भी वेबसाइट पे या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जस्ट गो एंड आस्क द केआरए, मतलब सी द केआरए ऑफ सरपंच, ठीक है। एक सरपंच के केआरए में देखोगे ना, तो उसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई होती हैं कि ही विल ट्राई टू फाइंड न्यू टेक्नोलॉजिकल हेल्प फॉर एग्रीकल्चरल और डोमेस्टिक, उसमें ही विल ट्राई टू फाइंड आउट न्यू एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ही विल ऑल्सो फाइंड मैनेज द स्कूल एजुकेशन क्वालिटी पे बात करेगा, देखेगा, है ना, ही विल मॉनिटर द अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज इन द विलेज। इतनी सारी केआरएस होती हैं, तो तुम्हें लगता है कि बिना पढ़े लिखे तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना, दैट्स ट्रू। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मिनिमम डिग्री की, प्रॉब्लम ये है कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं दे आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू ब्रिंग जस्टिस टू देयर केआरए, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। अब इसकी पॉलिसी अगर तुमको बनानी है, सो नाउ व्हाट विल यू डू?
आपको लगेगा कि चलो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि कोई भी इलेक्टेड मेंबर को हम पार्शियलिटी से नहीं देख सकते, मतलब यू कैन नॉट जस्ट पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इलेक्शंस कि आप एक मिनिमम एज का रिस्ट्रिक्शन है जो पहले से आ रखा है ना, उसके अलावे हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डाल सकते। ऑल्दो अभी रिसेंट टाइम्स में वुमेन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए हमने वुमेन्स के सीट सम फिक्स किए हैं कि 1/3 सीट पे वुमेन ही उस पर चुनाव लड़ेंगी, वही जीतेंगी, अदरवाइज और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, क्योंकि इसको कॉम्प्लायंस में रखना होगा, है ना। इफ यू वॉन्ट टू क्रिएट, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना चाहते हो, दैट विल बी अ वेरी बिग टास्क फॉर एनी गवर्नमेंट। देन अब नाउ यही मैं बताना चाह रहा था कि जब आप पॉलिसी को फ्रेम करते हो तो यू विल हैव टू बी इन कॉम्प्लायंस विथ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं जा सकते। तो अब बताओ इसमें जैसे अगर हमें कुछ करना है तो हम ये प्रॉब्लम है तो इसको हमें पहले रिसर्च करना पड़ेगा कि एक तो ये देखने के लिए कि अगर हम पढ़ा लिखा भी ले आए, जैसे मान लो कि अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन डाल दें कि ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तब भी तो जरूरी नहीं है ना कि ही विल बी डूइंग जस्टिस फॉर दिस KRA, है कि नहीं। तो अब उसमें क्या किया जा सकता है, तो आप ये जरूर कह सकते हो कि आप जो है जैसे मान लो कि एक काइंड ऑफ पॉलिसी मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि जैसे 5 साल के लिए कोई भी 5 ईयर का टाइम जोन पे कोई भी आदमी इलेक्ट होता है, ठीक है। तो वी शुड डू इज कि हमें एक मतलब स्टेट्स में, हर स्टेट में हमें जो सरपंच, मैं केवल सरपंच लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं कि ग्राम प्रधायक जो होता है, ग्राम प्रधान जो होता है उस लेवल पे, उनकी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होनी चाहिए। मतलब आफ्टर इलेक्शन दे ऑल शुड गो टू दीज इंस्टीट्यूशन फॉर 6 months, ठीक है, और 6 months में उनको ट्रेन किया जाए सो दैट दे कैन नो हाउ, मतलब उनको नो हाउ मिले कि क्या क्या हो सकता है इसमें और क्या क्या KRA उनका है, एंड हाउ कैन दे कैन ब्रिंग जस्टिस टू देयर KRA। और उसके बाद एक ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हम सेंट्रलाइज्ड सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक या हर 2-3 डिस्ट्रिक्ट में एक कमीशन में एक सेंट्रलाइज सपोर्ट सिस्टम, विच आर ये लोग जो होंगे वो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ मतलब एक्सपर्ट्स इन देयर ये रिलेटेड फील्ड, मान लो MBA है या फिर एनवायरमेंटलिस्ट है या फिर एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट है, ऐसे लोग हम वो बना सकते हैं। तो ये जैसे आप देखो मैंने बोल तो दिया, बट अगेन देर आर लॉट ऑफ एक्सपेंसिस दैट नीड टू बी डन हियर, तो वो भी फिर गवर्नमेंट को देखना पड़ता है कि ठीक है ये क्या ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए हम इतना स्पेंड कर पाए, है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई बहुत बड़ी पॉलिसी लाती है तो दूसरे कई जगह से कॉस्ट को कट करके वहां पे उसको फंड करती है, बिकॉज दे वांट कि वो एक बार बन जाएगा फर्स्ट, जैसे एक बार इंस्टीट्यूशन सारा बन गया, एक बार डिपार्टमेंट सारे बन गए तो उसके बाद उसकी रिकरिंग कम हो जाएगी। बट ऐसा भी पॉलिसी होता है कई बार कि गवर्नमेंट पुशेस अ लॉट ऑफ मनी इनटू दैट पॉलिसी कि वो एक बार पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाए। बट तुम ये एक सिस्टम हो सकता था, तुम में से कोई बोलेगा कि सर हम ऐसा ही ना कर दें कि हम पहले से ही रिस्ट्रिक्शन कर दें कि हम कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसी को हम चुनाव लड़ने के लिए बोले, है ना। या फिर तुम ऐसे कह सकते हो कि चलो ठीक है लेट्स नॉट गो फॉर एजुकेशनल डिटेल, हम एक एग्जाम ले लेते हैं, पहले आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद आप यू विल बी एबल टू मतलब पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाला करने से क्या होगा कि आपने जो ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो अपने जिम्मे ना रख के कैंडिडेट के ऊपर कर दिया, एंड बिफोर द इलेक्शन नॉट आफ्टर द इलेक्शन। आपने बोला कि आप खुद से ट्रेन होके आओ, है ना, फिर उसमें क्या होगा, फिर अलग से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे, प्राइवेट कंपनीज जो है कोचिंग खोलेगी, फिर ये लोग पैसे डालेंगे, फिर यहाँ प्रॉब्लम क्या हो जाएगा कि जिनके पास पैसे हैं जो ट्रेन हो सकते हैं दे विल बी मोर वो पोटेंशियली वो हो जाएंगे, तो फिर हमें लगता है कि फिर हमने गरीबों को या लेस रिसोर्स वाले को हमने इग्नोर किया है। तो फिर आप उसमें रिजर्वेशन भी डाल दो कि भाई इसमें इस वाले एग्जाम में हम मिनिमम क्वालिफिकेशन भी हम कम कर देंगे रिजर्वेशन के हिसाब से, मतलब इस तरह की कई पॉलिसी ड्राफ्ट की जा सकती है। एंड आई मीन यू सी इन डिटेल, अगर आप देखोगे थोड़ा ध्यान से ना तो यू विल फाइंड कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते,
एवरीथिंग इज अ सॉल्वेबल प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है, बट वही है कि जो पॉलिसी के स्टेप्स होते हैं ना वो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा वो आउटराइटली वो नहीं करती, मतलब बहुत अलग सा नहीं बनाती, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इशू ऑफ अपोजिशन, जैसे लोग उसमें उसके अगेंस्ट बोलते हैं या फिर कई चीजों के अगेंस्ट. अब लीगल फ्रेमवर्क भी ऐसा है कि कई चीज हम नहीं बना सकते, तो ये प्रॉब्लम भी होती है. कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, लाइक आई वांट टू ऐड अप समथिंग टू दिस वन. आई एम नॉट श्योर वेदर दिस इज पॉसिबल और नॉट. सर अभी लाइक यू सेड सम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट्स हु कम अप एंड बी इलेक्टेड, राइट? So why can't we make a like policy or act like sir normally ek eligibility criteria rakke MPs ko MLAs ko elect karna is a difficult thing. But as we have some main ministries, right? Finance, agriculture, defense. So why can't we make a basic eligibility criteria for the ministers who are becoming finance minister, agriculture minister, defense minister, like who has a background experience of working in that particular area? Like suppose if you have a finance minister who doesn't know anything about the finance, but she becomes finance minister, not able, like current example nahi de raha mai aur aise hi bol raha hu, but tum aise hi nahi bol raha currently, so chalo koi baat nahi. Normally like abhi jo bhi minister hai sir who has no experience but only has political experience, he becomes minister of some ministry. Like काम तो ब्यूरोक्रेट सब जो लाइक हु हैव सम एक्सपीरियंस विल डू, बट अल्टीमेटली द डिसीजन मेकिंग डिपेंड्स ऑन द मिनिस्टर, राइट? हु हैज नो रिलेवेंस एक्सपीरियंस, राइट? सो व्हाई कांट वी मेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द मिनिस्टर्स हु आर बिकमिंग द फॉर दिस मिनिस्ट्रीज व्हिच इन टर्न मेक द गवर्नमेंट ऑफ लाइक ठीक है जो भी तुम बोल रहे हो भाई बात सही है, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि लेट से जो गवर्नमेंट की पार्टी है उसके 220 सीट्स हैं, ठीक है? कितने पे अभी बन जाता है सरकार, कितने बन जाती है? 230 पे ना, 230 पे शायद. हाँ, चलो लेट से दिस फिगर. अब 230 में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो उस पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए एलिजिबल हो. जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के लिए तुमको चाहिए कि भाई एक एनवायरमेंटल साइंस का ग्रेजुएट हो, है ना, जो उसमें काम किया हो. अब इस 230 सीट में अगर कोई नहीं है ऐसा, तो हाउ डू यू आपके इलेक्टेड एमपी ही मिनिस्टर्स बने? जैसे अभी आपके फॉरेन मिनिस्टर कौन है? वो ही इज नॉट एन एमपी, है ना? तो ऐसा भी होता है. तुमने यूएस के कई सारे पिक्चर देखे होंगे जिसमें कभी कभी राह चलते इलेक्ट्रीशियन को भी प्रेसिडेंट बोल देता है कि नेक्स्ट टाइम तुमको हम टेक्नोलॉजी मिनिस्टर बना देंगे. ऐसा देखा है कि नहीं तुम लोगों ने मूवी कभी? ओके जुनैद, मतलब दिस वाज अ फाइन आइडिया, ठीक है. अब ये हो गया रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, और हम बता रहे थे थोड़ा कि उसमें ट्रेनिंग भी डाला जाए, है ना, या फिर ट्रेनिंग कॉम्पोनेंट को गवर्नमेंट अपने अंडर में रखे, या फिर दे विल जस्ट हैव अ एलिजिबिलिटी टेस्ट और फिर ट्रेनिंग कॉम्पोनेंट जो है कैंडिडेट जो है अपने एंड पे रखे, है ना. इन दोनों में से कोई भी तरीका ले सकते हैं. जब अपने एंड पे कैंडिडेट को हम रखने देंगे तो ये कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी, है ना. तो इस तरह का कई सारा चीज किया जा सकता है. तो इस तरह मैं तो तुम्हें बोला था कि और सिंपल कोई प्रॉब्लम को खोजो, जैसे मोबाइल एडिक्शन, है ना. तो देयर इज नो एनी पॉलिसी एट फॉर मोबाइल एडिक्शन, बट इट्स स्टिल इट्स अगेन अ वेरी टफ जॉब टू ब्रिंग अ पॉलिसी अगेंस्ट दिस कि मोबाइल एडिक्शन को कैसे कम कराया जाए, क्योंकि आप मशीनरी रखने से रोक नहीं सकते, है ना. वेबसाइट्स को आप रोक नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी और उसको रोक नहीं सकते. तो गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे क्या करती है, जो क्विक मेजर लेती है वो क्या करती है, इंटरनेट कॉस्ट को महंगा कर देगी, ठीक है. इस तरह का कई बार हम क्विक मेजर लेते हैं, तो वो भी क्या होता है, एक पॉलिसी कंपोनेंट ही होता है जिसको हम जल्दी करके सोचते हैं कि इसको हम रोक दें, ठीक है. तो अब तुम लोग को हम शेयर कर देते हैं, क्या बोलते हैं जो वो है. कुछ मेजर नेशनल पॉलिसीज हैं, मैक्सिमम ये रीड्राफ्टेड है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये पहले से नहीं था. जैसे हेल्थ पॉलिसी वाज देयर, तो तुम इसको अगर थोड़ा और ध्यान से पढ़ोगे, जैसे मान लो कि मैं सबके पीछे नहीं जा रहा, जो पुरानी हेल्थ पॉलिसी थी और नई हेल्थ पॉलिसी में क्या डिफरेंसेस है, तो तुम यू विल फाइंड कि मेजर डिफरेंसेस हैं कि पहले हम बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव पे थे,
है ना, या ब्रेकडाउन पे थे कि जैसे बीमार हो तब इलाज करो, या फिर प्रिवेंटिव पे थे कि बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जाएगा। अभी हम थोड़ा नई वाली जो हेल्थ पॉलिसी है वो प्रोएक्टिव मेजर्स लेने की कोशिश करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो वी विथ न्यू हेल्थ पॉलिसी वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल हेल्थ इशूज और कई सारे जो दूसरी चीज क्या है कि जो पहले था कि हम सारा चीज केवल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स पे डिपेंडेंट थे फॉर द मास पब्लिक, ऐसे तो प्राइवेटाइजेशन को हमने अलाउ कर दिया, बट अभी क्या है कि हमने बोला कि नहीं हम प्राइवेट को पार्टनर बनाएंगे, नॉट एज अ फाइनेंशियल कोलैबोरेशन का पार्टनर बट हम इंश्योरेंस के थ्रू। तो आयुष्मान भारत ऐसा कुछ लाया गया, फिर हमारा इसमें जो अल्टरनेट मेडिसिन है उसको भी बहुत स्पेस दिया गया है। तो यू विल फाइंड कि जैसे जब भी कोई पॉलिसी बन रही है या नई जो पॉलिसी बन रही है उसके मेजर चेंजेस क्या है और मेजर गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इस तरह से इसको ड्राफ्ट किया गया है। तो ये वाला सीट तुम पढ़ना, ठीक है, हम अभी अपने डिस्कशन पे ही कंटिन्यू रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा जो मतलब इम्पोर्टेंट वाला है वो हमने कोशिश किया है कि इसमें हम डाल दें, ठीक है। तो इसको पढ़ लोगे ना तुम लोग? यस सर, कोशिश करेंगे। कोशिश क्यों करना है, इसको पढ़ लो। और आई होप कि मतलब तुम लोगों को वो चीजें तो क्लियर हो गई होंगी कि मतलब ऐसा कोई एलियन वर्ड नहीं है पॉलिसी, इट्स व्हाट वी डू, इट्स व्हाट वी ट्राई टू अचीव, वो सब मिला के पॉलिसी कहलाता है। एंड पॉलिसी इज नॉट देन, जब पॉलिसी नाम दिया जाए तभी पॉलिसी हो, जरूरी नहीं है, है ना। पॉलिसी कैन कम एज एन एक्ट, पॉलिसी कैन कम एज एन बिल, है ना। तो वो बिल भी पॉलिसी है, वो एक्ट भी पॉलिसी है, बट उसको उसी नाम से हम पॉलिसी नहीं बोलते, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब बताओ कोई आज कोई डाउट बताओ हम उस पर, अब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तुम लोगों का।